अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सजा रमान, आप देख रहे हैं अमान ट्रैवल एंड फूड। तो जैसे आपको थंबनेल में पता लग गया होगा कि लास्ट बल्कि ऑलमोस्ट 2 वीक्स बैक एक इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से जो है ना मतलब ये कि मैं थोड़ा सा इनएक्टिव रहा। हुआ कुछ यूँ कि 30 अप्रैल को हम नॉर्मल रूटीन में ऑफिस गए, जो भी हम SOPs हैं वो फॉलो करते हुए, लेकिन इस दौरान हमें मतलब कि हमारे 2 कलीग्स थे जो कि बीमार थे, और उनको इस तरह हुआ था कि मतलब COVID-19 का स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उनको रेफ़र किया गया था। तो उनको जो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए रेफ़र किया गया था उसमें फिर तकरीबन 30 अप्रैल को अराउंड अबाउट 3 बजे उनमें से उनके रिज़ल्ट पब्लिश हो गए। अब जो रिज़ल्ट पब्लिश हो गए इसमें एक तो नेगेटिव निकला, दूसरा जो हमारा कुलीग था, सीनियर कुलीग था, वो हमारा पॉजिटिव निकला। तो उसकी वजह से जो है ना अचानक ही जो है ना पूरे ऑफिस का माहौल बिल्कुल चेंज हो गया, मतलब ये कि वो एक टेंस सा माहौल क्रिएट हो गया। और फिर हम मतलब इसी चक्कर में पड़ गए कि भाई अब सबकी स्क्रीनिंग, सबका स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए। तो वो मतलब ये कि सारे इंश्योरेंस कंपनी के साथ और सबके साथ जब मतलब कोऑर्डिनेशन करने लगे, तो नेक्स्ट डे हमें यानी 1 मई को हमारे हम सब की तकरीबन कोई 16 बंदों की हमारी स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ रूटीन में। तो नेक्स्ट डे जो है आपका जो कोविड का टेस्ट है उसका रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। तो अलग कुछ इस तरह हुआ कि रूटीन में नॉर्मली तो जो है ना मतलब ये कि वेरी नेक्स्ट डे पे रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे पे क्या हुआ कि हमारे किसी का रिज़ल्ट नहीं आया। हॉस्पिटल से रिजू किया तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा नेटवर्क में इशू है, रिज़ल्ट अपलोड नहीं हो रहे। मीनवाइल तकरीबन अफ्तारी के करीब जो है हमारे एक कुलीग का रिज़ल्ट पब्लिश हो गया और उसका भी पॉजिटिव आ गया। जब उसका पॉजिटिव आ गया तो ओवरऑल जो हमारे जितने भी कुलीग्स थे उनमें एक बेचैनी कह लें या खौफ कह लें, वो जो है ना मतलब ये कि फैलना शुरू हो गया। इसलिए कि मतलब एक ऑलरेडी मतलब ये कि पॉजिटिव था, दूसरा भी पॉजिटिव आ गया, तो मतलब ये कि दूसरों तमाम को अपने मतलब तो और सारे जो है ना मतलब ये कि हमारे तकरीबन कोई ये जितना भी टाइम गुजरा इंतहाई जो है ना हमारे टेंस माहौल में गुजरा। खैर उनके जब आ गए तो हमारे बस बाकी तो जो है ना बस हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, हमने मतलब अल्लाह से ही दुआ करनी थी और अल्लाह से ही दुआ की। तो हुआ इस तरह कि नेक्स्ट डे यानी 3rd डे पे यानी 3rd मई तकरीबन 2:30 बजे के आसपास मेरा रिज़ल्ट आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव आ गया। फिर उसके बाद जो है ना मतलब ये कि तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम कुलीग्स के रिज़ल्ट नेगेटिव आ गए वहाँ सिवाय एक और के। तो ओवरऑल हमारी तकरीबन कोई 18 बंदों की टीम थी, 18 बंदों की टीम में 3 जो हैं वो बंदों के पॉजिटिव आ गए, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे नेगेटिव थे। लेकिन इस दौरान जो ये 53 आवर्स या 55 या 60 आवर्स हमने जो गुजारे, वो इतना स्ट्रेस में हमने गुजारे कि हम साइकोलॉजिकली जो है ना हम बिल्कुल बिल्कुल वीक हो चुके थे, इसलिए कि हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मतलब ये कि नेक्स्ट जो है ना मतलब ये कि मे बी किसी का भी आ जाए। तो उसकी वजह से तकरीबन हमें से कोई भी मतलब ये कि कोई भी बंदा कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा था और ना कर सकता, इसलिए कि मेंटली जो है ना हम मतलब ये कि बिल्कुल जो है ना बिल्कुल वीक हो गए थे, एक खौफ के माहौल में आ गए थे। तो इवन के अल्हम्दुलिल्लाह फिर मतलब ये कि बाकी सब कुलीग्स के जो है ना नेगेटिव आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना हम मेंटली जो है ना मतलब दूसरी बात ये कि जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर आप जो है ना मतलब ये कि किसी कोविड पॉजिटिव के साथ इन मतलब कोऑर्डिनेशन रहे हों या इस तरह रहे हों, तो उसमें जो है ना आपको फिर भी एटलीस्ट तकरीबन कोई मेरे ख्याल 1 वीक के लिए आपको आइसोलेशन में रहना पड़ता है। तो वो मतलब एक टेंशन तो हमारी कम हो गई, लेकिन हमारे जो है ना मतलब ये कि आइसोलेशन में फिर भी रहे, तो आइसोलेशन में रहने की वजह से ज़रूरी बात है हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो उसमें जो है ना हम
इतना खौफ में आ गए थे कि मतलब कि हमें अपने आप से भी डरने लगा, मतलब कि बार बार हाथ धो, बार बार सैनिटाइज करो हाथों को, ये करो वो करो, काफ़ी जो है ना, मतलब ये कि अगर घर वाले कोई खाना भी दे रहे हैं तो उन्हें कहो कि यार दूर से ही दो हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से, आप सब लोगों की दुआओं से, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज की दुआओं के बरकत से हम मैं मतलब कि फिर तकरीबन आफ्टर ऑलमोस्ट अ वीक टाइम जो है ना मैं और हमारे बाकी जितने भी कोलीग्स थे वो क्वारंटाइन से निकल आए और अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है ना हेल्थी है। इवन के जो पॉजिटिव भी हैं वो भी जो है ना बिल्कुल हेल्थी हैं, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं हैं। तो ये थी सारी वजूहात जिसकी वजह से जो है ना मैं मतलब ये कि कोई फ्रेश वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, कोई जो है ना मतलब ये कि एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा था, इसलिए कि मतलब दिल ही नहीं चाह रहा था। इसलिए कि आप जब कोई वीडियो या कोई कंटेंट बनाते हो तो उसमें फ़र्स्ट चीज़ जो आपकी होती है वो होती है कि आप मेंटली जो है ना उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, कि मतलब आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो कंटेंट जो है ना मतलब ये कि आपके जहन में पूरा एक सीन चल रहा होता है कि ये करना है, इस तरह करना है, वो करना है। तो वो जो है ना मतलब ये कि मैं नहीं कर पा रहा था। तो इंशाल्लाह आई एम बैक और अभी जो है ना आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे खाने भी लेके आ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इन टच रहिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और सबसे जो अहम बात वो ये है कि बराए करम, बराए करम, बराए करम इस सीनियरियो को, इस वायरस को बहुत ही सीरियस लीजिए। और इसमें मतलब बाकी तो जो है ना बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, हम अपने आप को उससे नहीं बचा, हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम अपने एंड पर सिर्फ एहतियात कर सकते हैं। और एहतियात क्या है कि मतलब ये कि अगर अभी मैं बाहर से आया, कुछ मेडिसिन लेके आया, कुछ लेके आया, तो मतलब ये कि मैंने हाथ जो है ना वही 30 सेकंड तक जो है ना प्रॉपरली धोए। अगर बाहर से मतलब कोई करेंसी नोट्स लेके आया तो वो जो है ना मतलब ये कि या तो उसको सैनिटाइज कर लिया या उसको स्प्रे कर लिया, उसको अलग कर दिया। इसलिए कि करेंसी नोट्स जो है वो भी एक रीज़न बन रहा है इस COVID-19 को फैलाने में। इसलिए कि आपका जो मतलब आपको कोई पता नहीं है अगला जो बंदा, जिस तरह मैंने आपको कहा हमारे दो कुलीग जो है ना मतलब पॉजिटिव हैं, अभी तक ये तकरीबन उनका आज 10वां दिन है, कोई सिम्टम्स नहीं है। जब लेकिन अगर उसमें सिम्टम्स नहीं है तो उसका मतलब ये है कि वो कैरियर हैं। यानी कैरियर का मतलब ये है कि वो वायरस, वो जो COVID-19 का वायरस है, वो ऑल्दो कि उस पर कोई अगर असर नहीं हो रहा या उसमें सिम्टम्स जो है ना मतलब ये कि जाहिर नहीं हो रहे, लेकिन वो किसी दूसरे को इजीली ट्रांसमिट कर सकता है, चाहे वो हाथ मिलाने से हो, चाहे वो करेंसी नोट जो है ना उनको देने। इसलिए कि जब करेंसी नोट मतलब है कि उन्होंने वो कर दिया है, मे बी उस दौरान उन्होंने खांसी खांसा हो या मुंह में हाथ या कहीं जो है ना मतलब है कि इस तरह मतलब है कि हाथ लगाया हो और वो हाथ करेंसी नोट पे लगे, वो करेंसी नोट आपको दे दिए और आपने वो करेंसी नोट टच कर लिया और उसके बाद बगैर हाथ धोए या इस तरह मतलब मुंह को हाथ लगा लिए, जिसमें मतलब है कि मुंह है, कान है, नाक ये नाक है, आँखें हैं, तो वो खुदा ना खास्ता उस बंदे को ट्रांसमिट हो सकता है। तो बहुत एहतियात कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह इस वबा से हमारी जल्द से जल्द हमारे क्या के पूरी दुनिया की जान छुड़ाए और पूरी दुनिया से जो है ये वबा जल्द से जल्द खैर ऑफियत से अल्लाह के फजल करम से ख़त्म हो जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।